कोलारस विधानसभा में लगातार बिजली की समस्या से क्षेत्र की जनता का हाल बेहाल हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने एक अहम कदम उठाया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मध्यप्रदेश सरकार की नजर में लाते हुए विद्युत विभाग में सुधार के लिए राशि स्वीकृत कराई है, जिससे क्षेत्र में 11 केवी की लाइन में सुधार, खराब ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य शुरू किया गया है। महेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश शासित मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद उनके समर्थन से ही अब क्षेत्र की जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन ग्राम पंचायतों में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने कार्य की राशि स्वीकृत करवाकर कार्य शुरू करवाया है। आपके द्वारा लंबे समय से कोलारस विधानसभा में क्षेत्र के लिए कई क्षेत्रों में जहाँ पर लाइट विद्युत की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है या कई जगह कम वोल्टेज पहुँच रहा है, डीपीस की समस्याएं, लाइटों की समस्या, उसको लेके प्रयासरत थे, तो अब क्या स्थितियाँ हैं, क्या कुछ बड़ी योजना लेके आप आए, क्या क्या फायदा मिलेगा क्षेत्र की जनता को? पिछले 6 महीने पहले सब लोगों ने ऊपर मैसेज किया था कि कई गांव में डीबियों की कमी है, केबल खराब हो गई है, 11 केवी का तार जर्जर हो गया है और कई जगह बड़े 33 केवी के ट्रांसफार्मरों की भी परेशानियां हैं। सरकार ने उन सब परेशानियों को देखते हुए आदरणीय हमारे श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने और हमारे बिजली विभाग के मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने 380 करोड़ रुपए की लागत के ये सब जो जरूरत के जो भी उपकरण थे उनका ठेका कंपनी को दे दिया था। अब कंपनी सब जगह काम करने के लिए आ गई है, जिसके तहत हमारे कोलारस विधानसभा में भी लगभग काफ़ी किलोमीटर लंबा 11 केवी का तार, काफ़ी किलोमीटर लंबी केबल और साथ में रामगढ़ का 33 केवी का ट्रांसफार्मर और जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है एडिशनल ट्रांसफर, हथौरा में 5 ट्रांसफार्मर 100 के लगेंगे, कुटवारा में भी 63 का लगेगा, ऐसे हर जगह मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, सभी जगह केबलीकरण होगा और ये काम मेरे समझ में चुनाव से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदारों को ठेके सब हो चुके हैं, उनके लोग गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं उस चीज़ का और बहुत जल्द 2-4 दिन में ही काम चालू हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंतर छोटी छोटी कमियों को जल्दी से पूरा करती रहती है और आज उसी के तहत पूरे जिले में काम शुरू होने जा रहा है, उसमें हमारे कोलारस विधानसभा का भी संपूर्ण ट्रांसफार्मर रखे होने का काम, खम्भे तार बदलने का काम, केबल बदलने का काम शुरू होने जा रहा है।